हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके के रहने वाले अफराद ने आज उस वक्त राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि रात उनके इलाके में घूमने वाला जंगली जानवर काला तेंदुआ या ब्लैक पैंथर नहीं बल्कि जंगली बिल्ली थी। एशियाई नस्ल की बड़ी बिल्ली जो हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके की एक मस्जिद में देखी गई थी, उसे आज नेहरू जूलॉजिकल पार्क के एहलकारों ने पकड़ लिया। ये बिल्ली गोलकुंडा के फतेह दरवाजा इलाके की नूरानी मस्जिद में नजर आई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस खबर के आम होते ही नेहरू जूलॉजिकल पार्क की टीम वहां पहुंची, जिसने इस बड़ी बिल्ली को पकड़ लिया। कल रात तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान मुकामी अफराद ने इस बिल्ली को मस्जिद की दीवार चढ़ते हुए देखा। इस सिलसिले में जू के अधिकारियों ने कहा कि मस्जिद की मीनार पर यह बिल्ली देखी गई थी। चूंकि ये बिल्ली काली थी, इसीलिए मुकामी अफराद ने इसको तेंदुआ समझा। उन्होंने कहा कि इस इत्तला के बाद सुबह 4:30 बजे इसको पकड़ने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसका अख्तितम सुबह 9:30 बजे हुआ। सोशल मीडिया पर इस ताल्लुक से तस्वीर को वायरल करते हुए इस बिल्ली को काला तेंदुआ करार दिया जा रहा था, जबकि तेलंगाना में काला तेंदुआ नहीं पाया जाता। रात से एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक ब्लैक पैंथर फतेह दरवाजा के नूरानी मस्जिद के अंदर घुस के पूरा घूम रहे बोल के, तो फौरन अपना पुलिस टीम आके हमारा पूरा कस्टडी में ले लिया पूरा बिल्डिंग। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम और जो फर्स्ट से रेस्क्यू टीम जो बुलाया था यहाँ पर, और फॉरेस्ट टीम का DFO राजा रमना रेड्डी और उसका एंटर टीम सुबह 2 घंटा पुलिस की टीम के साथ सर्च करके उसको पकड़ा है। तो पकड़े तो जंगली बिल्ली है, वो सिविट कैट है, कोई पैंथर नहीं होता। उसमें पब्लिक को हम पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई डरने के नहीं, जंगली जानवर कोई भी अंदर नहीं आया, सिर्फ जंगली बिल्ली है, उससे डरने का प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ये लॉकडाउन को भी हम आप इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अननेसरी रोडों के ऊपर नहीं घूमना है, और अगर घूमे तो रोड के ऊपर आए तो सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करना है, और इसके साथ मास्क कंपलसरी हर आदमी मास्क पहनना है। ये 3 चीज़ हम अगर मेंटेन करें तो करोना वायरस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। अपने एरिया में भी यहाँ पर करोना फ्री एरिया हम गोलकुंडा में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कितने कितने लोग आए थे, कितने ऑफिसर्स थे, और रात में उनको इतला देने के बाद में सुबह आना बोल तो कितना टाइम लेट क्या? हाँ तो लेट तो हुआ है, मगर ये इतना डेंजर इमीडिएटली अब वीडियो वायरल होने के बाद में हम वो वीडियोस और फोटोज़ और डिप्टी डायरेक्टर है कलीम जी बोल के जो पार्क में रहते हैं उसको भिजा दिया था हम, तो देखिए फौरन बोला ये कांतन नहीं होता सर, ये बिल्ली का स्पीशीज है, कोई टेंशन नहीं है बोल के बोले थे। इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग और टीम आया, आने के बाद में कोऑर्डिनेशन ऑफ फॉरेस्ट टीम और जो पार्क टीम और पुलिस के साथ पकड़ के अभी जो पार्क भेजा दिया है। ओके सर, थैंक यू।